Hello students and welcome back to the channel once again. In today's video, we are going to discuss about top 20 very important questions for your AIIMS examination. These questions are totally based on biology NCERT. So don't worry, aap logo ki NCERT puri cover hone wali hai. प्लस आप लोगों के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है. सो जो भी स्टूडेंट्स आगे बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं 11th एंड 12th के लिए, जो कि नेक्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के लिए मैं प्रिपरेशन कराने वाली हूँ विद नोट्स, नोट्स के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं और वो नोट्स भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है अनअकैडमी प्रोफाइल का, आप उसको जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं. ओके, सो गाइज प्लीज़ फॉलो करिए, अपना सपोर्ट अनअकैडमी पर भी शो करिए. तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ. आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज जब तक आपका एम्स और जिपमर जैसा बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक हम आपको ऐसे ही डेली प्रैक्टिस वाली वीडियोस देते रहेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आप लोग कॉन्फिडेंट भी फील करोगे. नाउ विच इज इनकरेक्ट अबाउट इकोलाई. पहला क्वेश्चन है कि इकोलाई के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. एंड द करेक्ट ऑप्शन है, आपको पता चल गया. अगर सही ऑप्शन पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो. इससे पता चलता है कि आपको आंसर आता था और आप एक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है. मन में मत बोला करो सिर्फ. ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज डिप्लॉयड. जबकि ये बिल्कुल गलत है. जो जनरली मोस्टली जो बैक्टीरिया होता है इन जनरल एंड इकोलाई जो होता है, दे आर पर्टिकुलरली कंटेन्ड वन होमोलोगस ऑफ देयर सिंगल क्रोमोजोम एंड आर कंसिडर्ड टू बी हैप्लॉयड. ठीक है, तो डिप्लॉयड तो बिल्कुल गलत हुआ, हैप्लॉयड होते हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं कोडोन्स ऑफ एलेनिन. एलेनिन के जो कोडोन्स होते हैं वो क्या होते हैं. एंड द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही, अरे बिल्कुल सही बता रहे हो, कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल बस कमेंट कर दिया करो. ठीक है, द डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, GCU, GCC एंड GCG. अब आप बोलोगे मैम ये हम कैसे पता लगाएं कि एलेनिन के कौन से हैं, इसके कौन से हैं. मैं आपको इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी, इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियोस अपलोड की हैं एम्स के, और भी बहुत सारी क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड किए हैं. उन वीडियोस को भी जरूर जाकर देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक गिवन है. तो आपको बताती हूँ अमीनो एसिड क्या है हमारा यहाँ पर, एलेनिन. क्या है, एलेनिन. अगर मैं इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो जो डीएनए बेस ट्रिपलेट्स होते हैं, एक होता है एमआरएनए के कोडोन्स, ठीक है, और एक होता है टीआरएनए के कोडोन्स. किसके होते हैं, tRNA के एंटीकोडॉन, सॉरी नॉट कोडॉन. तो इन तीनों के अलग अलग होते हैं. सबसे पहले आता है डीएनए का. डीएनए का होता है CGA CGG, प्लीज नोट डाउन कर लो, CGT एंड CGC, ठीक है. ये होता है आपका डीएनए बेस का. उसके बाद एमआरएनए कोडॉन पे जब हम आते हैं तो ये होते हैं GCU, GCC, GCA एंड GCG, करेक्ट. उसके बाद हम आते हैं टीआरएनए पर. टीआरएनए की एंटीकोडोन्स क्या होती हैं, CGA CGG, एक मिनट यहाँ लिख लेते हैं हम, CGG, इसको मत मानना कुछ भी. ओके, CGU एंड लास्ट है CGC. ये सब किसके हैं, ये है टीआरएनए एंटीकोडोन्स के. ये जो है ना आपके, प्लीज इन लोगों को याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हो सकता है अगली बार पूछ लिया जाए कि डीएनए बेस्ड ट्रिपलेट्स एलेनिन के क्या होते हैं, तो आपको पता होने चाहिए. अगर आपसे पूछ लिया जाए एमआरएनए कोडोन्स क्या होते हैं एलेनिन के, तो आपको पता होने चाहिए, जो मैंने आपको बता दिए. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सिंथेसाइज ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए. इनमें से हर तरीके के आरएनए किसके अंदर मिलेंगे. पहला आरआरएनए, बी टीआरएनए, सी एमआरएनए या फिर डीएनए. इनमें से हर टाइप का आरएनए कौन बना सकता है. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, डीएनए. ठीक है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए इज यूजुअली कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज यूजिंग डीएनए एज अ टेम्पलेट एंड प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. भाई आरएनए आपको पहले ही पता है, आरएनए कहां से बनता था, बिल्कुल ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से बनता था. और वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस किसके ऊपर किया जाता था, डीएनए के ऊपर. तो जाहिर सी बात है कि डीएनए के द्वारा हम बाकी सभी आरएनए को बना सकते हैं, चाहे वो टीआरएनए हो, एमआरएनए हो या फिर आरआरएनए हो. सो डीएनए से हम बनाते हैं आरएनए और उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. और जिस एंजाइम के थ्रू हम बनाते हैं वो एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज, करेक्ट. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. डायग्राम है यहाँ पर हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस. ठीक है, आपके सामने डायग्राम दिए हुए हैं. आपको बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है फॉर द अबव डायग्राम ए बी सी एंड डी दैट हैज करेक्ट एग्जांपल.
ठीक है, आपके सामने ये चारों कंडीशन है, इन चारों को एक एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आपको बताना है सही एग्जाम्पल कहाँ पर लिखे हुए हैं। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए विच सेज, ए वाला जो है आपका उसका है मस्टर्ड एग्जाम्पल, बी है हमारा रोज, सी है प्लम एंड डी है गुआवा। ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंथेटिक फाइटो हॉर्मोन, इनमें से कौन से सिंथेटिक फाइटो हॉर्मोन्स हैं। ऑप्शन नंबर ए आई बी ए आई ए ए बी ए पी, बी 2,4-D एन ए ए बी ए पी, सी ज़ेआर्टिन आई बी ए आई ए ए, या फिर डी एन ए ए आई ए ए एन 2,4-D। अब देखो भाई, इससे पहले इस चीज़ के बारे में जो लास्ट वीडियोस मैंने कराई हैं उसके अंदर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है कि आई बी ए क्या होता है, आई ए ए क्या होता है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट वीडियोस जाकर जब देखोगे, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अगर उस वीडियोज़ को भी आप जाकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन का बेसिक क्या है। ठीक है, कैसे आप इस क्वेश्चन में पहचान सकते हो कि सिंथेटिक फाइटो हार्मोन क्या है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, प्लीज जाकर देख लेना। सो इसका सही आंसर बता देती हूँ आपको, द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी विच सेज 2,4-D एन ए ए एन बी ए पी। 2,4-D क्या है? ऑक्सिन, ऑक्सिन का पार्ट है, राइट। एंड 2,4-5-T क्या होता है? दे हैव बीन डेवलप्ड एंड यूज फॉर वीड कंट्रोल। ठीक है, सो ऑक्सिन जनरली स्पेशली 1-नेप्थिलिन एसिटिक एसिड जिसको हम एन ए ए बोलते हैं, और दूसरा है इंडोल 3-ब्यूट्रिक एसिड जिसको आई बी ए बोलते हैं। दे आर कॉमनली अप्लाइड टू स्टिमुलेट द रूट ग्रोथ वाइल टेकिंग कटिंग्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, नाउ जो मोस्ट कॉमन ऑक्सिन है जो कि सभी मोस्टली फाउंड किया जाता है प्लांट्स के अंदर इज इंडोल 3-एसिटिक एसिड जिसको हम आई ए ए बोलते हैं, राइट। उसके बाद हम दूसरा आते हैं, ये भाई एन ए ए भी पता चल गया हमें, 2,4-D भी पता चल गया, ऑक्सिन है, बी ए पी क्या है? बी ए पी इज 6-बेंजाइल अमीनो प्योरीन बेंजाइल एडेनिन। ठीक है, क्या है? बेंजाइल एडेनिन। नेक्स्ट है उसके बाद, इट इज अ फर्स्ट जनरेशन सिंथेटिक साइटोकाइनिन, याद रखिएगा इसका बहुत अच्छा चीज बता रही हूँ, इट इज अ फर्स्ट जनरेशन सिंथेटिक साइटोकाइनिन दैट इलिसिट्स प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिस्पॉन्सेज। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी विच सेज मिथेनोबैक्टीरियम फीड सेल्युलोज इन एनारोबिक कंडीशन। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर इसको समझाने की जरूरत नहीं है। ओके, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, क्या होता है साइनोबैक्टीरिया? दे आर फोटोट्रॉपिक। ठीक है, और वो नेचुरली ओकेयरिंग एग्रो कुछ इकोसिस्टम के अंदर वो नेचुरली उग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पैडी फील्ड्स हो गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इतना ही समझाना काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए, बिकॉज आपको आना चाहिए। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ, यहाँ पर एफ नहीं आएगा, ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पर आएगा 5। क्या आएगा? 5 × 174 इज, कौन सा जेनेटिक मटेरियल है जिसका 5 × 174? एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, 5 × 174 विच इज बैक्टीरियोफेज। ठीक है, किसका है ये? बैक्टीरियोफेज का। और बैक्टीरियोफेज क्या है? इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस एंड द फर्स्ट डीएनए बेस्ड जीनोम टू बी सीक्वेंस्ड। याद रखिएगा, विच वन इज द फर्स्ट डीएनए बेस्ड जीनोम टू बी सीक्वेंस्ड? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, नेक्स्ट है, हेट्रोजाइगस टॉल इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव? बिल्कुल बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी 50%। अब कैसे भाई? मैम हमें तो समझ में नहीं आया आपने कैसे 50% लगा दिया। बताती हूँ, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हेट्रोजाइगस टॉल, क्या बोला गया है? हेट्रोजाइगस टॉल। और क्या बोला है? रिसेसिव पेरेंट। नाउ हेट्रोजाइगस टॉल का मतलब तो ये हो जाएगा ना, बिल्कुल, एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा, और उसको क्रॉसओवर कराना है दूसरे रिसेसिव पेरेंट के साथ, यानी कि उसके अंदर दोनों ही स्मॉल होंगे। जब आप इनको क्रॉसओवर करवाओगे तो क्रॉसओवर कराने में क्या आ जाएगा? करा के देखो भाई, टी टी और टी और टी, तो ये आ जाएगा, ऐसे कर दूं, टी 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 और टी टी और टी, तो क्या ये 50% नहीं हो गया? क्या ये 50% नहीं हो गया? इसका अगर मैं यहाँ पर निकाल कर देखूं तो ये कुछ इस तरीके से आया, कुछ जब मैंने क्रॉसओवर भी करके दिखा दिया अभी आपको, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो कुछ ये आई, कुछ ये आई थी बिल्कुल क्रॉसओवर कराने में। तो ये देखिए क्या आ गए, हेट्रोजाइगस कैसे आ गए?
हेटरोजाइगस आ गए दो, चार में से दो तो हेटरोजाइगस आ गए, और होमोजाइगस कितने आ गए दो, ये दो हो गए, ठीक है 2/4। तो दिख नहीं रहा 50%, बिल्कुल 50% है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इन मिराबलिस जलापा रेड फ्लावर प्लांट इज क्रॉस्ड विद व्हाइट फ्लावर प्लांट, व्हाट विल बी द फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन? क्या फिनोटिपिक रेशियो होगा F2 जनरेशन के अंदर? रेड फ्लावर प्लांट को व्हाइट फ्लावर प्लांट के साथ यहां पर क्रॉसओवर कराया गया है, एंड द करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है 1:2:1, बी ऑप्शन। कैसे नहीं याद आ रहा? क्रॉसिंग ओवर कराई थी, पिंक फ्लावर आता था F1 जनरेशन में, और फिर उसके सेल्फ क्रॉसिंग करा देते थे। कैसे? देखो R, वेट अ सेकेंड, कैसे आता था? कुछ इस तरीके से नहीं आता था, R और R, और दूसरा होता था R और सॉरी R और R, और दूसरा होता था R और R। इसकी जब हम क्रॉसिंग ओवर कराते थे तो हमें मिलता था R और R, ये होता था एक पिंक, ये होता था R और R, इस तरीके से ये एक पिंक फ्लावर निकल जाता था, ठीक है। ना तो यहाँ पिंक था ना तो यहाँ पिंक था, एक रेड था और एक वाइट था। इसका मतलब जो ये F1 जनरेशन में आया है ये एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है, पिंक फ्लावर। अब इसी पिंक फ्लावर की हम क्या करा देंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या करा देंगे? सेल्फ क्रॉसिंग ओवर करा देंगे। तो R R, और यहाँ पर रख दीजिए R और R, इसको कराओगे कैपिटल R कैपिटल R, इसको कराओगे कैपिटल R स्मॉल R, इसको कराओगे R और R, इसको कराओगे R और R। तो क्या आ गया आपके पास? एक तो ये आ गया, दोनों R कैपिटल हैं वो एक ही बार है, एक R छोटा है एक R बड़ा है, एक हो गया, एक R बड़ा है एक R छोटा है, तो ये दोनों तो एक जैसे ही हो गए ना, 2 हो गया। उसके बाद दोनों ही R छोटे हैं, 1 हो गया, रेशियो आ गया 1:2:1, ऐसे कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सोमा क्लोन प्लांट? सोमा क्लोन प्लांट्स के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी, सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप पूछ रहे होगे मैम सोमा क्लोन प्लांट्स क्या होते हैं? द प्लांट प्रोड्यूस दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल पेरेंट प्लांट आर नोन एज सोमा क्लोन, ठीक है। जो प्लांट यहाँ पर प्रोड्यूस किए गए हैं जो कि जेनेटिकली बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होंगे, एग्जैक्ट आइडेंटिकल होंगे ओरिजिनल प्लांट प्लांट के जो कि पेरेंट प्लांट है, उन प्लांट्स को बोलते हैं सोमा क्लोन्स। क्लोन्स का मतलब तो पता ही है ना, जो बिल्कुल जो ऑफस्प्रिंग एग्जैक्टली कॉपी होते हैं अपने पेरेंट की, जो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं उनको क्लोन बोलते हैं। और सोमा क्लोन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। नेक्स्ट चलते हैं, फिशेज इन यूट्रॉपिक लेक इज डाइड ड्यू टू, यूट्रॉपिक लेक के अंदर फिशेज जो हैं वो मर जाती हैं किस वजह से? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, सी CO2, या फिर डी नन। सो द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए ड्यू टू ऑक्सीजन। यूट्रोफिकेशन जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से, इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे कि एल्गल ब्लूम जो कि इट विल स्टॉप लाइट फ्रॉम गेटिंग इन टू द वॉटर एंड हार्म द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट नीड इट, उनको लाइट नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पे एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी एल्गे की तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो है बाकी के पानी के अंदर नहीं मिल पाएगी क्योंकि एल्गी ज़्यादा ग्रोथ कर गई है। सो उसकी वजह से हाइपोक्सिक कंडीशन हो जाएगी और डेड जोन बन जाएगा जहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोलिसिस। नाउ ग्लाइकोलिसिस कराने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एंड द करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल सही, हाँ ए ऑप्शन, विच इज ATP, ADP, NAD+, ग्लूकोज, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी सही रिएक्शन लिखी हुई है, लिंक रिएक्शन सही कौन सी लिखी हुई है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए। व्हाई? लिंक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? लिंक रिएक्शन को हम एक तरीके से पाइरुवेट डीकार्बोक्साइलेशन भी कहते हैं, जिसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट लिंक बनती है बिटवीन द मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड द सिट्रिक एसिड, या फिर क्रेब साइकिल भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो वो आपको कहाँ पर देखने को मिल रही है? पायरविक एसिड प्लस NAD+ प्लस COA, इसके अंदर किसका आप रिएक्शन कराओगे? पायरवेट डीहाइड्रोजिनेस का, ठीक है, विद MG++, which will give us acetyl COA and NADH+ CO2, ठीक है, क्रेब्स साइकिल बोल लीजिए या फिर सिट्रिक एसिड बोल लीजिए। नेक्स्ट है, मैच द कॉलम नंबर फर्स्ट टू कॉलम नंबर सेकेंड। कॉलम फर्स्ट को कॉलम नंबर सेकेंड के साथ आपको मैच करना है, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी,
मैचिंग करके दिखा देते हैं सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग. सी ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है दैट ए यानी कि ऑक्सिन गोज विद पार्थिनोकार्पी इन टमेटो, बी ए बी ए गोज विद विच वन सेंसिटिविटी अगेंस्ट एडवर्स कंडीशन, सी जिब्रेलिन, जिब्रेलिन की वजह से क्या हो जाता है बॉल्टिंग, एंड डी एटीफोन की वजह से क्या हो जाता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट. ये इन सभी की वजह से है कि अगर ये इंक्रीज हो जाए तो क्या क्या हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. सही स्टेटमेंट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, बाकी स्टेटमेंट भी देख लीजिए जो कि गलत हैं. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए. ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है. माइक्रो एलिमेंट्स के अंदर ये नहीं एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एलिमेंट्स का मतलब आप माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बोल सकते हो. ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, दे आर द एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बैलेंस्ड क्रॉप न्यूट्रिशन. और इसके अंदर क्या क्या आता है नाम सुन लेना और देखना क्या इसके अंदर वो नेम्स हैं. नाम सुनना, बोरॉन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, मॉलिबॉल्डियम, जिंक, निकल, क्लोराइड. क्या ये नाम इसमें है? बिल्कुल नहीं है, सारे नाम नहीं है. राइट, सारे नाम नहीं है, माइक्रो एलिमेंट्स के अंदर नहीं इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन लिख दिया इन्होंने, यहाँ पर फॉस्फोरस लिख दिया, ये बिल्कुल गलत लिख दिया. आप देखो जब यही लिख दिए हैं तो ये गलत ही हो जाएगा. राइट, नेक्स्ट चलते हैं. ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीएज, लाइपेज, डीएनएज, आरएनएज आर फाउंड इन. ये सभी डाइजेस्टिव एंजाइम जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए लाइसोजोम. नेक्स्ट चलते हैं, आरएनए इज फाउंड इन, आरएनए कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्गी बॉडी क्लोरोप्लास्ट, सी लाइसोजोम माइटोकॉन्ड्रिया, डी सेंट्रियोल्स माइटोकॉन्ड्रिया. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. अगर समझ में आया हो तो कमेंट कर देना, नहीं समझ में आया हो तो मैं शायद समझा सकती हूँ आपको. जनरली जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं दे कंटेन देयर ओन जीनोम, इनके पास इनके खुद के जीनोम होते हैं एज वेल एज इनका खुद का बायोसिंथेटिक मशीनरी होती है जिससे कि ये आरएनए और जो आरएनए हो सकता है या फिर जो भी दूसरे ऑर्गेनल प्रोटीन्स हैं वो खुद बना सकते हैं. तो आरएनए किसके अंदर पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ 2,4-D इज 25 ppm. हाउ मेनी अमाउंट ऑफ 2,4-D शुड रिक्वायर फॉर मेकिंग इट्स 5 liters, 15 liters एंड 25 liters सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी विच इज 125 ग्राम, 375 ग्राम, 625 ग्राम. हाउ? बिकॉज 1,000 ऑफ अ ग्राम इज 1 mg, वी ऑल नो, एंड 1,000 ml इज 1 liter. सो अगर एक प्रेशर पर मीटर इस तरीके से अगर हम माने, एक सेकेंड, इसको हम इस तरीके से माने 1 ppm इज इक्वल टू 1 mg. ठीक है, 1 ppm इज इक्वल टू 1 mg. ठीक है, पर लीटर मानते हैं, पर लीटर. सो तो पर लीटर कितना माना जाएगा? पर लीटर माना जाएगा मिलीग्राम पर लीटर, और मिलीग्राम मतलब 0.001 ग्राम पर लीटर. इसको अब आप इसी वैल्यू को पुट कर दो बाकी के में जो आपको वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 5, 15, 25, आपको आपकी वैल्यूज मिल जाएंगी. ठीक है, 25 ppm को वहाँ पर रखना है आपको 1 ppm की जगह, तो आपको मिल जाएगा 25 mg. ठीक है, और 25 mg की जगह पे आपका आ जाएगा 25 mg पर लीटर, और लीटर रख देना 25 × 5 = 125 इस तरीके से. ठीक है, नेक्स्ट है, What was the reason of mass extinction during Mesozoic era? And the correct option here is option number A, due to meteorite falling on Earth. ठीक है, meteorite जब Earth पर गिरा था उसकी वजह से there was down several of the most likely causes of mass extinction. ठीक है, asteroid जैसे causes जो है वो होती रहते हैं. Which hormone helps in detection of pregnancy? कौन सा हार्मोन है जो कि वुमेन के अंदर मिलेगा जब वो वुमेन प्रेग्नेंट होगी? ओनली एंड ओनली प्रेगनेंसी के टाइम पर ही वो हार्मोन मिलता है. ऑप्शन नंबर ए HCG, बी HPL, सी प्रोलेक्टिन एंड डी प्रोजेस्टेरोन. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए विच इज HCG.
ठीक है, द एच सी जी लेवल ऑफ लेस देन 5 ml पर ml इज कंसिडर्ड नेगेटिव ऑफ प्रेगनेंसी एंड एनी थिंग अबाउट 25 ml इज कंसिडर्ड पॉजिटिव फॉर प्रेगनेंसी. ठीक है, सो गाइज ये सभी जो वीडियोस हैं ये सभी आपको डेली मिलती रहेंगी जब तक आपका एम्स का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है और जिपमर का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है. और लेकिन अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिनका नीट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है और वो एम्स के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आगे भी डेली NCERT के एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ आपके लिए आने वाले हैं और ऐसे ही क्वेश्चन के प्रैक्टिस वीडियोज़ भी आपके लिए आने वाले हैं. तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अनअकैडमी का लिंक आपको दिया हुआ है उसको प्लीज़ जाकर फॉलो करें. वहाँ पर भी आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिलेगा जो आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प करेगा. विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय.